चाबी थोई तो फिर उन्हें चाबी ने खोली है तो जा सुनना इतना चाहते कि सारा गोल्ड है। जोगिंदर है और मैं बसान का रहने वाला हूँ। कल रात को 10 और 11 के बीच में हमारे घर में चोरी हुई है और कम से कम 4 लाख का सोना था और 1 लाख रुपये कैश दे दिए। आपको कैसे पता चला कि चोरी हुई है? सर मैं शाम को डेडी कर रहता हूँ, घर में माता जी होते हैं, मेरे बच्चे पार रहते हैं पढ़ते हैं, तो मैं पार से डेडी घर आ जाता हूँ शाम को, जब अपना कारोबार बंद करके आ जाता हूँ। कल मैं किसी कारणवश नहीं आया, मैं कहीं गया था तो मैं लेट हो गया, तो मैंने माता जी को फ़ोन किया कि मैं अभी 9:30 बज गए हैं, मैं अभी नहीं आऊँगा, कोई बात नहीं, आओ बाहर ही रहो। तो जब मैं रात को मुझे 11 बजे मेरी ताई जी है, इनका फ़ोन आता है कि आपका सिर जल गया, घर में आओ। माँ क्या हो गया? आगे देखा माता जी रो रहे थे, मतलब फ़ोन पर ही मुझे रो रहे थे। क्या हो गया? बोला कोई आया था अंदर और सब कुछ ले गया। तो मैं 10-15 मिनट में मैं पहुँच गया इधर। जिसने चोरों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो भली भांति जानते थे कि आज ये घर में नहीं आया है, चोर जो भी हो वो लोकल एरिया का ही है, बाहर का चोर नहीं है। क्या अपील करेंगे पुलिस से? सर पुलिस से हम यही अपील करेंगे कि चोर को ढूंढ निकालो। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी दूसरे साथ होगा। पहले तो हमने शहरों में सुनते थे हम ये चोरी उसके घर में चोरी हुई, उस गली में चोरी हुई, पर अभी गाँव में भी, हमारा ये शहर से 12 से 15 किलोमीटर दूर गाँव पड़ता है, अभी इधर भी ये हाल हो गया। तो हम पुलिस को यही कहना चाहते हैं कि कम से कम चोरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए।